गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप लोग बहुत टाइम से जानना चाहते थे। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए, सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में और मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में। मैं क्या करती हूँ, घर पर रहती हूँ या बाहर जॉब करती हूँ, बहुत सारे सवाल हैं आप लोग के जिसका जवाब मैं आज देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वो वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग मेरा ये लुक बताइएगा कैसा लगा, और मैं इस वीडियो के लिए ही स्पेशली ये लुक अपना तैयार हुई हूँ इस तरीके से आज मैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नैन्सी, जो कि मेरा चैनल का भी नाम नैन्सी से ही है, नैन्सी ऑल इन वन। और नैन्सी ऑल इन वन रखने का मकसद मेरा यही था कि मैं अपने वीडियो पे जो जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम नैन्सी ऑल इन वन रखा है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोग ये जानना चाहते हैं मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने पढ़ाई कितनी तक की है। तो फ्रेंड्स, मैंने पढ़ाई जो है अपनी एमएससी की हुई है, बायोकेमिस्ट्री से मेरा एमएससी है। और उसके बाद मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, जो कि मैं जॉब करती थी। अभी इस मुझे जॉब छोड़े मेरा अभी 6-7 महीने हो गए हैं। मैं 6-7 महीने से जॉब छोड़ दी हूँ, नहीं कर रही हूँ, पर इसके पहले मैं यहाँ जॉब करती थी। और मैं रहती लखनऊ में हूँ, और मेरा वैसे घर है सुल्तानपुर, पर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ में रहती हूँ। और मेरा ससुराल है देवरिया। तो बहुत लोग ये सब चीज़ जानना चाहते हैं, तो इसलिए आज मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ। ये सब आपने मैंने अपना क्वालिफिकेशन बता दिया है। एमएससी मेरा बायोकेमिस्ट्री से है। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, जिसमें मैं स्टाफ नर्स हूँ। और इस टाइम मैं ड्यूटी करती थी, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं ड्यूटी अभी मैंने छोड़ रखा है। पर मैं कुछ टाइम बाद फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। और यहाँ मैं लखनऊ में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, हम दो लोग ही रहते हैं साथ में। मेरे साथ मेरा एक छोटा सा पपी भी रहता है, जिसको मैंने वीडियो में आप लोग को दिखाया ही है। तो अभी अंदर चला गया, नहीं तो फिर से दिखा देती। और बस हम दो लोग रहते हैं, और हस्बैंड भी मेरे जॉब करते हैं, उनका वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और अब बात करते हैं मेरी हॉबीज़ के बारे में। तो गाइस, मेरी हॉबीज़ हैं मुझे पेंटिंग करना, सिलाई करना, मेहंदी मेकअप करना, ये सब चीज़ें मेरी बहुत पसंद है। और कुकिंग मेरा फेवरेट है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ये चैनल मेरा चल जाए उसके बाद मैं एक चैनल क्रिएट करूँगी, जिसमें कि मैं आप लोगों को कुकिंग की काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी इजी शॉर्टकट रेसिपीज़ भी दिखाऊँगी। तो जल्दी से ये चैनल को मेरे आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, चैनल चल जाए, फिर मैं नया चैनल अपना क्रिएट करूँ। और साथ ही मैं होम डेकोर और DIY के भी वीडियो दिखाती हूँ, ये सब चीज़ें भी मैं करती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। मैंने इन सब चीज़ों के काफ़ी सारे वीडियो अपने शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पे। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। और ये चैनल मेरा गार्डनिंग का है, मतलब गार्डनिंग के साथ साथ DIY, होम डेकोर और मेकअप से लेकर हर चीज़ों का ये चैनल है मेरा। तो इस चैनल पे मैं काफ़ी कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम ऑल इन वन रखा है। और अब गाइस, आप लोग पूछेंगे कि यूट्यूब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोलते थे यूट्यूब एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये है वो है, यूट्यूब पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी कुछ आप दिखा सकते हैं अपना एजुकेशन। उनका मोटिव था कि मैं एक एजुकेशन का चैनल स्टार्ट करूँ, कुछ नॉलेज दूँ सबको, नॉलेजफुल चैनल बनाऊँ। तो इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया, और इसमें मैं यही सब चीज़ें करती हूँ। और तो इस चैनल मेरा बस मैंने उन्हीं के कहने पे स्टार्ट किया है, अपने हस्बैंड के कहने पे। बाकी उसके बाद मैं यूट्यूब पे मेरा इंटरेस्ट आया, मैं काफ़ी सारे लोगों का वीडियो देखी, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे भी चैनल क्रिएट करना चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने अपना एक चैनल बनाया है। और नेक्स्ट आप लोग जानना चाहेंगे मेरी शादी के बारे में, तो मेरी शादी को 4th साल ये चल रहा है, मेरी शादी 2017 में हुई थी, और अभी 4th साल ये मेरा चल रहा है, नवंबर आएगा तो फिर पूरा हो जाएगा। तो और सब बता दूँ, मैं शादी के पहले, मैं जब शादी नहीं हुई थी तो मैं शादी के पहले टीचिंग करती थी, मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती थी, जिसमें मैं साइंस पढ़ाती थी। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था साइंस ही, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था। और बट शादी के बाद मैंने टीचिंग छोड़ दिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गई लखनऊ में रहने। तो मैं यहाँ पे
हॉस्पिटल जॉब स्टार्ट कर दी, तो बट बीच में तबीयत ख़राब हो गई, तब से मैंने जॉब छोड़ रखा है। स्टार्ट करूँगी जॉब तो फिर आपको दिखाऊँगी सारे जॉब। इस टाइम तो कोविड भी है और कोविड में मैंने ड्यूटी भी की है। कोविड के टाइम पे किस तरीके से मैं ड्यूटी करती हूँ और मेरा ड्रेस क्या रहता था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी फ़ोटो में। और बहुत टफ़ हो जाता है ये हम लोग का, ये जो जॉब था नर्सिंग का, बहुत टफ़ होता है। साथ इसके साथ घर संभालना, जॉब करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। नर्सिंग के प्रोफेशन में आप लोग को पता ही है, नर्सिंग का प्रोफेशन बहुत टफ़ है। काम भी बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक हम लोग जैसे कि डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर रिसर्च अपना वो करते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग को बहुत डर लगा रहता है। पर हाँ, मतलब एक संतुष्टि भी रहती है कि कोई अच्छा से ठीक हो के जाता है, तो एक खुशी भी मिलती है हम लोगों को कि हाँ वो ठीक हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग, मेरा काम है, यही सारे मेरे काम है, हॉस्पिटल, घर, जॉब, और घर पे मैं हूँ, रहती हूँ बस, और कोई नहीं रहता यहाँ पे। कुकिंग मेरा फेवरेट है, जिसमें मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, मैं खाना तो अच्छे अच्छे बनाती हूँ, इसका वीडियो आप लोग को दिखाऊँगी, कभी वीडियो ले आऊँगी कुकिंग का। और मैं चैनल क्रिएट करने वाली हूँ कुकिंग का, बहुत जल्द क्रिएट करूँगी, बस आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद कुकिंग का चैनल मैं स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग को ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बनाया था, इंट्रोडक्शन का वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग के काफ़ी सारे सवाल थे कि आप क्या करती हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ से रहती हैं, तो इस तरीके से बहुत सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा इंट्रो वीडियो बना देती हूँ। सो गाइस, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नैन्सी ऑल इन वन से, तो वहाँ पे भी हमको आके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं वीडियो बना के अपलोड करती हूँ और काफ़ी कुछ वहाँ पे मैं बताती हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।